पशुधन आधारित इस समेकित कृषि प्रणाली में ये सारे घटक एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं, ये बात समझने वाली है। किसान भाइयों, इस प्रणाली में सबसे पहले तो तालाब या पोखर का इंतजाम हो जाना जरूरी होता है, या फिर कोई भी बेकार पड़ी निचली जमीन जहां पानी जमा रहता हो आप उसे भी तालाब के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तालाब होगा तो सिंचाई के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही इस तालाब में मछली पालन भी आसानी से किया जा सकता है। अब खेतीबाड़ी के अवशेष जैसे धान की भूसी या खल्ली मछलियों के खाने के लिए तालाब में डाली जा सकती है। इसके अलावा अन्य घटक जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन से प्राप्त जैविक खाद भी तालाब में डाले जा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि तालाब के अंदर जलीय पौधे खूब बढ़ेंगे और इस तरह मछलियों के चारे का इंतजाम भी हो जाएगा। इस प्रणाली में अब बात करेंगे बत्तख पालन की। तो किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली में बत्तख पालन से एक तो आपके तालाब का पानी स्वच्छ बना रहता है और दूसरी अच्छी बात ये कि ये बत्तख आपकी मछलियों के लिए आहार भी देते हैं। अब इस मामले में मुर्गियां भी मछलियों का सहयोग करती हैं। जी हाँ, मुर्गियों के बीट से मछलियों के लिए मुफ्त का आहार मिल जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ मुर्गी पालन से आप अतिरिक्त आय कैसे पा सकते हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं। मुर्गियों से मिलने वाले उत्पाद को बेचकर आप लगातार आमदनी हासिल कर सकते हैं। आइए अब जरा दूसरे पहलुओं पर गौर करते हैं। फसल उत्पादन से हमें दो फायदे होते हैं। पहला ये कि हमें अनाज प्राप्त होता है। दूसरा फायदा ये कि हमें अपने पशुओं के चारा प्रबंधन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह समेकित कृषि प्रणाली में पशुपालन की बात करें तो गाय, भैंस या बकरी पालन से हमें दूध तो मिलता ही है, साथ ही इन पशुओं के मलमूत्र से हम फसल उत्पादन के लिए उपयोगी खाद यानी वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। गाय भैंस पालन की अपेक्षा बकरी पालन के दो अन्य फायदे भी हैं। पहला ये कि बकरियों के मांस का व्यापार कर आप अपना खर्च चला सकते हैं और दूसरा फायदा ये कि बकरियों के मल को तालाब में डालकर मछलियों को खिला सकते हैं और इस तरह मछलियों के आहार पर लगने वाली लागत को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रणाली में एक और बात ध्यान देने की है, वो ये कि आप अपनी सूझबूझ से कुछ फलों या सब्जियों का चुनाव कर लें, जैसे अमरूद, केला या पपीता या फिर कोई भी मौसमी सब्जी जिसकी बिक्री आपके इलाके में आसानी से हो जाए। और फिर क्या, आप तालाब के बांध या ऊपरी जमीन का इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस अनोखी प्रणाली में इस तरह से ये सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का पूरक बनकर समेकित कृषि प्रणाली में लगने वाली लागत को कम करते हैं।